24 कैरेट किचन। आज हम मैंगो क्रस्ट है वो बनाएंगे। मैंगो अभी सीजन में है तो हम क्रस्ट बना के आराम से इसको 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं हमें इसको बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए। इसमें हमें परफेक्ट मेजरमेंट है वो लेना है। तो 250 ग्राम यहाँ मैंने शुगर ली है। 125 से लेके 150 ग्राम तक हम मैंगो ले सकते हैं। 100 ग्राम चाहिए होगा हमें पानी। 1 TSP है वो हमें सिट्रिक एसिड लेना है। और यहाँ मेरे पास मैंगो इमल्सन है। आपके पास यदि इमल्सन नहीं हो तो आप कलर और एसेंस, मैंगो एसेंस और कलर येलो वो भी यूज कर सकते हो। तो अब हम बनाते हैं मैंगो क्रश। तो मैंने गैस स्टोव पे भगोना है वो चढ़ा दिया है। इस पे मैं चीनी है और पानी वो डाल देती हूँ और गैस को मैं चालू कर देती हूँ। गैस स्टोव को मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं जो मैंगो है इसकी प्यूरी है वो तैयार कर लेती हूँ। हमें विदाउट वाटर है वो प्यूरी चाहिए। इसको हमें ओकेजनली स्टिर करते हुए बॉईल आने तक लाना है। बॉईल आने के बाद हम इसमें मैंगो प्यूरी है वो ऐड कर देंगे। प्यूरी में आपको बिल्कुल फाइन प्यूरी नहीं बनानी है। थोड़े बहुत पीसेज रहे तो भी बहुत अच्छे लगते हैं क्रश में। और आप मैंगो के छोटे छोटे पीस डाल के भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। हमारे शुगर में बॉईल आ गया है तो इसमें मैंगो की मैंने प्यूरी है वो कर ली है। विदाउट पानी डाले मैंने प्यूरी की है। इसको मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। इसमें आप देख पा रहे होंगे थोड़े थोड़े पीसेज है वो भी है। गैस की फ्लेम है वो हमें मीडियम टू लो रखनी है बॉईल आने के बाद। अब हमें इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से कुक करना है। फिर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। बहुत इजी है क्रश बनाना। और मैंने क्रश की पूरी क्लास भी दे रखी है मात्र 250 रुपीज़ में। मैंने सारे टाइप के क्रश है उसमें बताए हैं। तो आप किसी को क्लास भी लेना हो तो मेरे इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। मेरा नंबर है 9413764728। और यहाँ भी मैं जो भी रेसिपी बताती हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट जो हमारी क्लास की रेसिपी होती है वो ही मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे क्रश शरबत मैंने अपने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं। तो इस तरह पीसेज भी इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। और आपको नहीं चाहिए तो फाइन प्यूरी भी आप डाल सकते हो। को हमें 3-4 मिनट हो गए हैं। अब आप कैसे चेक करोगे कि हमारा क्रश रेडी है क्या? तो हम चम्मच को यूँ छोड़ देंगे और लास्ट में हम देखेंगे हमारा एक बिल्कुल परफेक्ट तार जैसा निकलना चाहिए। अभी पूरा नहीं निकल रहा है, थोड़ा सा कम है। तो इसको मैं 1 मिनट के लिए और कुक करूँगी। जब चम्मच की लास्ट ड्रॉप गिरेगी तो उसमें से एक तार जैसा निकलेगा। पका हुआ हमें तार चाहिए। तो हम गैस की फ्लेम है वो बंद कर देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे, नहीं तो मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। इस स्टेज पे हम इसमें सिट्रिक एसिड है वो डाल देंगे। सिट्रिक एसिड क्या करता है, क्रिस्टलाइजेशन होने से रोकता है। यानी हमारी शुगर है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं जमेगी। इसकी जगह आप मतलब नींबू है वो भी डाल सकते हो, 1 लेमन का जूस। मैं गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब जब हम स्पून की इस चाशनी को चेक करेंगे तो एक तार जैसा निकलेगा। और हमारा क्रश है वो रेडी है। इमल्सन है वो हम इसमें ठंडा होने के बाद डालेंगे। और टेक्सचर ये ठंडा होने के बाद थिक हो जाएगा। तो मैं आपको ठंडा होने के बाद इसका टेक्सचर दिखाती हूँ।
बिल्कुल हमारा क्रश है वो ठंडा हो गया है, देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें इमल्सन है वो ऐड कर देंगे। 180 SPG जितना इमल्सन है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और मैं इसको विदाउट प्रिजर्वेटिव ही रख रही हूँ। आपको प्रिजर्वेटिव डालना हो तो KMS नाम का प्रिजर्वेटिव आता है, 180 SPG वो आपको ऐड करना है इसी स्टेज पे। उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी। बहुत ही अच्छा क्रश तैयार होता है, आप ज़रूर ट्राई करें। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।